सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, जैसे ही कोई ऐसा बॉलर लाते हैं लोग ना कि डाउट हो गया कि ये थोड़ा एक्टर नहीं है, इसको लाया गया है, तो मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है तो इसके पहले वो सबसे पहले हमारे पास आएगा और भाई साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अब जो कंप्लेन करने वाले हैं, हाँ, हमारा CCL इसलिए भी खास है कि आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कितनी बार जिताए हैं। हमारा ही CCL ऐसा है कि जब बैट्समैन आता ही है तो उसके साथ रनर आता है और एक साथ 4 बैट्समैन आते हैं पिच पे। 4 आते आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बैटिंग करने वाला है कौन रनर है। उसमें भी एक खास बात, आज बोल लेने तो मुझे एक आया रनर लेके आया है तो घायल है, बैटिंग किया रनर, वो भी दौड़ा ये भी दौड़ रहा है तो पता तेरा रनर है, पता चला चारों दौड़ रहे। देखो कितने हंस रहे, कितने नहीं गेटिंग कंफ्यूज हु इज होस्टिंग सर। डिस्कशन वही चल रहा है ये होस्ट कौन कर रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम विद केरल आल्सो सर, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट द प्रॉब्लम इज। कपिल शर्मा शो है ना, एक ही है भारी है। सुधीर भाई मैं एक आपसे बात पूछना चाहता था। मैंने CCL के 2-3 सीजन जो है मैं साथ में ट्रैवल भी किया है। हर एक टीम के 2-2 ऐसे ब्रांड एम्बेसडर रहती हैं, ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। अच्छा हाँ, तो जैसे हमेशा जो मैच होता है तो हमेशा वो खड़ी रहती हैं, सब मैंने देखा है, वो अपनी T-शर्ट पहनकर अपनी टीम की चीयर अप कर रही होती हैं। आज जब आना था तो सब लड़के आ गए, उनको क्यों नहीं लाए? इसका जवाब मेरे पास है क्योंकि हम जितने भी थोड़े क्रिकेट के बारे में हमें जानकारी है, हम जो ब्रांड एम्बेसडर्स को लेके जाते हैं ना, तो किसी ने एक बार चौका या छक्का मारा तो सब तालियां मारने लगे। That lady says, "Is that a goal?" So I said, "यार इसको इंटरव्यू के लिए मत लेके जाना।" तो इसने थोड़ा डर बैठ गया हमें उसके बाद, क्या ब्रांड एम्बेसडर्स को थोड़ा अवॉइड ही करें। हमारी टीम के साथ भी हुआ था एक बार, मनोज भैया आउट हो गए। अच्छा जी। और हल्ला मचा। अब वो हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर थी उनको पता नहीं हुआ क्या, तो अचानक तब तक बगल में जो बैठी थे क्या कर रही है, मनोज भैया आउट हो गए। अच्छा सॉरी। मेरे को तो दुख लगा सोहेल भाई कि चलो हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं आई। तो सिद्धू भाजी को बड़ा दुख है क्योंकि ये ना सुबह कॉपी पेन लेके ना हिसाब लगा रहे थे, कहते देखो 8 टीम, एक टीम की 2-2 ब्रांड एम्बेसडर ना, 16 लड़कियां के हिसाब से 32 शेर तैयार किए थे। नहीं मेरी बात सुन लो, मैंने कुछ कहा तेरे को कितनी बार कहा आते पहले नाचा मत कर, चुड़ैल लगने लगती तू को। बनाए किसने? तेरे लिए बनी ना मैं चुड़ैल। कितना अच्छा लग रहा है सबको देख के, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, 23 से लेकर 24 तक सब आए। 23, 24 मतलब अरे अन्ना के बाइसेप देखो ना, 23 है, सोहेल भाई के 24 है। अच्छा आप लोग दोनों जब साथ में जिम जाते रहेंगे तो डंबल की तो चीखें निकल जाती होंगी, ऐसा रहते है? तुझे कैसे पता? तू तो कभी जिम गई नहीं। मैं जिम नहीं जाती, लेकिन ये लोग जाते हैं ना, अगले दिन ट्रेडमिल आती है मेरे पास मसाज कराने के लिए। बहुत हेवी वर्कआउट करते आप लोग। अच्छा अन्ना, हाँ वो CCL अभी मेरे को याद आया। अच्छा आप तो एक भी कैच नहीं मिस करते होंगे ना? मेरे को खिलाते ही नहीं है। खिलाते नहीं है सारे कैचेस, लेकिन मैंने तो सुना था अन्ना 24 घंटा रहता है चौकन्ना, वो गेम के बाद। अच्छा अन्ना आप तो मैच में सेंचुरी भी बहुत मारते रहेंगे ना? बड़ी चापलूसी कर रही तो अन्ना की। करनी पड़ेगी सुनना। क्या? गफ्फूर ने मेरे को समझाया था मुंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का। इधर है निरवा जी, कैसे कितने सीधे ना, एकदम अरेंज मैरिज के दूल्हे जैसे लगते एकदम। मैं सच्ची बोलते सर, आप पहले सुपरस्टार है जो डाउन टू अर्थ है एकदम। सच्ची में सोलबा, हमारे इधर राजपाल यादव को हीरो ले लो ना, वो भी 10-15 गुंडे मार देता है पिक्चर में, लेकिन ये इतने डाउन टू अर्थ है, मक्खी से मार खा गए पिक्चर में। अच्छा, जैसे आप लोग का सीसीएल है ना सोहेल भाई, हम लोगों ने भी एनसीएल निकाले है। एनसीएल मतलब नाला सुपारा क्रिकेट लीग। आप लोग का ना मुंबई हीरो, कौन सा भोजपुरी दबंग, हमारे इधर भी है मुलुंड के मलंग, नाला सोपारा के नल्ले, चिंचोली बंदर के चिंदी चोर। और ऐसा हंसने का नहीं सर, आप लोग ऐसा हंस रहे लेना, ऐसा नहीं, बड़े बड़े लोग जानते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर जी है ना, हाँ। उनको ये सब बता कर आई मैं, ये सब लीग, क्रिकेट लीग के बारे में। क्या कहा उन्होंने? पता नहीं उन्होंने क्या, मैं उनके बंगले के बाहर जाके से खड़े रह के बताकर आ गई। सुना क्या नहीं सुना? लेकिन धोनी है ना, धोनी, उनके साथ पर्सनल डिनर था अपना। ऐसे जब मैंने उनको बताया लीग के बारे में, माय गॉड, मेरे ऐसा रिटर्न टिकट थी ना फ्लाइट की, मेरे को बुक करने ही नहीं दिए। इतना खुश हो गए? नहीं, खुश नहीं हो गए, घुमा के ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मारा ना इधर मेरे को, ऐसा सीधा उड़ के मुंबई आ गई सर। लेकिन क्रिकेट है ना, मेरे को ये सब समझ में नहीं आती है। मतलब दो ऐसे खिलाड़ी रहते हैं और 11 लोग ऐसे घेर के खड़े रहते हैं। अगर वट से खेलना है तो इधर भी 11 रखो, उधर भी 11 रखो ना। सर ये क्या है? और सच्ची बोलती, किसी के पास स्कूटर विटर तो है नहीं, हेलमेट पहन के काय को घूमते रहते हैं? काय को ऐसा रखते आप लोग अन्ना? अरे इसलिए, अरे वो पागल, वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं, वो बॉल तेज आती है ना इसलिए। तो करेक्ट बॉल से खेलने का नहीं था, हार्ड बॉल से काय को खेलते? मैं आपको सिंपल आइडिया बताती सोहेल जी, अपना सॉक्स निकालो और ऐसा गोल गोल करो, ऐसे लगता भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट रहता। अन्ना इतने बड़े बड़े लोग यार, आप लोग कितना पैसे वाले हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, इतने बड़े बड़े लोग एक ही बॉल के पीछे भागते रहते हैं। आप लोग के पास पर्सनल अपना एक एक बॉल रखो, खेलने में मजा आएगा। तो पागल है, एक ही बॉल होती है इसमें, क्रिकेट में एक ही बॉल रहती है। कैसा गेम है? टेनिस में देखी सर, टेनिस में प्लेयर के पास हाथ में भी बॉल रहता है, ऐसा कच्चे में भी 2 बॉल रखते हैं, और पीछे वो बॉय रहता है, वो 5-6 बॉल लेके खड़ा रहता है। वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग को क्या प्रॉब्लम है इतना बॉल रखने में? बताओ सर, बताओ। और मेरे को एक चीज इन लोग का ना सर, आई एम वेरी सॉरी, आप लोग बड़े लोग हैं, मैं गरीब, मेरे को इनका एक चीज बहुत खराब लगा, झूठ बोलते हैं लोग। क्या? क्यों? मैं उस दिन क्रिकेट मैच पे गई ना, मैं पूछा क्या चल रहा है, कहते 20-20। काय का 20-20? सब 35 के ऊपर है। क्या बोलते आप? अच्छा सोहेल जी, एक और कंप्लेंट है मेरे को, ये मैं देखिए आपके जितने खिलाड़ी लोग हैं ना, ऐसा बॉल लेके थे खुजली करते रहते इधर। उन लोग को समझा तो बॉल से खुजली वैसा होगा नहीं। आपने बाहुबली देखे लाए, उसमें का ऐसा वो गोल घुमाते ना कांटे वाला बॉल, उससे खुजली करेंगे तो खुजली मिटेगी। सब लोग को समझाते हैं। सपना, वो चमकाते हैं बॉल को, ध्यान से देखा कर टीवी पे। टीवी में देखती थी पहले मेरे को क्रिकेट में बहुत मजा आता था, लेकिन सोहेल जी 1990 के मैच के बाद मैंने बंद कर दिया। मैं सच्ची बोलती सिद्धू पाजी, मेरे को आज भी यकीन है आप आउट नहीं हुए थे। अगर उस टाइम पे लूज मोशन रहता ना तो पता चल जाता इन लोग को। अबे लूज मोशन नहीं, स्लो मोशन। हमारे नाला सुपर में लूज मोशन ही बोलते हैं। वो आप लोग का एम्पायर है ना, वो तो बहुत ही खराब है, बहुत अश्लील हरकतें करता है वो। कौन सी हरकत ये तो बता? अरे वो ऐसे खड़ा रहता है, बाजू में से लड़की लोग खड़ा रखता है, ऐसे करता है, नाचती है वो, कितना खराब लगता है मालूम है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।